आज की डिस्कशन से इट्स बीन डिसाइडेड क्योंकि आप सब बीबीसी ऑर्बिट अर्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी अराउंड द सन जो है इसकी तीनों वीडियोस देखेंगे और मैं आपके लिए क्विजेस शेयर करूंगा जो कि आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है तो वो आप मुझसे शेयर कर देंगे। यू कैन शेयर ऑन व्हाट्सएप, यू कैन शेयर ऑन गूगल क्लासेस, यू कैन इवन आस्क मी फॉर अ लेक्चर ओवर हियर ऑन जूम, सो दैट्स अप टू यू गाइस। तो आई विल रिप्लाई as soon as possible, ठीक है, within a day. And the next thing is के जो मैंने अभी तक understanding मेरी है कि कुछ concepts के लिए आपको उर्दू की videos हैं तो कुछ मैंने upload कर दी हैं. First video तो तकरीबन completely उर्दू में, उसकी जो description है मैंने upload कर दी भी अपने lecture के अंदर, recording के अंदर. बाकी दो की भी मैं कर रहा हूँ, I'm working on it. अगर उसको कोई और easier तरीका मिल जाता है कि जहाँ आपको video भी नजर आए और मैं उर्दू में उसको समझा भी सकूँ तो I'll work on that as well. So, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं ये सब आपने मस्ट देखनी है। आई रिक्वेस्ट यू अपनी वीडियोस जो हैं ये देखने और कुछ क्विजेस हैं, अनग्रेडेड क्विज भी और क्विजेस भी जो एक्चुअल क्विजेस हैं वो भी सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी ने सुने हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम, उनमें कोई क्वेश्चन, जो कुछ चीज आपको समझ ना आई हो, यू नीड फर्दर इलैबोरेशन? जी सर, दो लेक्चर सुने थे मैंने। नहीं सर, उसमें सब समझ आ गया था। ओके फाइन, सो कुछ और लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, चैप्टर वन फ्रॉम द अदर बुक एज वेल वो भी रिकॉर्डेड है, चैप्टर टू मैंने शुरू किया था थोड़ी सी उसके अंदर, माय डॉटर डिड स्टॉप मी, तो वो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका जितना मैंने रिकॉर्ड कर लिया वो मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी का मैं आज रिकॉर्ड करके आप सबसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो इनमें कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें, वन को मैंने बहुत लाइटली टच किया क्योंकि वन का थॉरो डिस्कशन एक्चुअली ऑलरेडी पिछली वीडियो में हो गई, जो वन की रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर की हुई वो दूसरी बुक से है। इस बुक में मैंने कहा कि कोई अगर कॉन्सेप्ट्स न्यू है या कुछ जैसे कि इलस्ट्रेशंस अच्छी थी तो वो मैंने यहाँ से भी शेयर कर दी है। चैप्टर टू और थ्री भी आज होपफुली मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसको वॉच कर लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वीकेंड के पर भी आप सब मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन अरेंज अ क्लास इफ यू वांट, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिस्टर हुज़ैफा। वालेकुम सलाम। ओके साद, मिस्टर साद। जी मिस्टर साद, बताएं प्लीज। सर वो आपने जो लेक्चर्स अपलोड किए थे उसके अंदर ना मुझे एक कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा डाउट है। या वो आपने सर बताया था कि जो अर्थ की रिवॉल्वरी है अराउंड द अर्थ वो एक साल के अंदर कंप्लीट होती है, या तो वो जो टॉप नॉर्थ पोल है वहां पे सर आपने बताया था कि अराउंड 65 डेज और या 62 डेज जो है कंप्लीटली डे ही होता है, जैसे ही सनसेट होता है दोबारा सन निकल आता है। सर वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। ओके, अगर आप, मैं आपको समझा देता हूं। ये जो अर्थ है, अगेन इसके लिए जो शॉर्ट वीडियोस एटमॉस्फेयर में दी हुई हैं, एक दी हुई है हाउ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब की, लेट मी शेयर, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी सकूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। शेयर दिस। ओके, सो इफ यू सी ये, बल्कि इसमें है, सो इफ यू सी ये वीडियो हाउ अर्थ मूव्स, तो अगर आप इसको देखें तो ये काफी ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझा देती है कि अर्थ की मूवमेंट टोटल ओवरऑल कैसी है और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर सारे। लेकिन ये काफी एडवांस लेवल के ऊपर है, अगर आप इजी वाली देख लें तो बेसिकली ये ऑर्बिट के अंदर ये अवेलेबल है। लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट पुल आउट समथिंग जो कि आप सबके लिए कन्वीनियंट हो। ओके, सो लेट मी गो ओवर हियर, let's search, what can we say, we'll put it like say the midnight sun, actually is concept ko midnight sun kaha jata hai, main try karta hu agar yahan kahin par mujhe iski illustration mil jaye। Well, there is maybe a movie. ये शायद better एक depiction हो midnight sun की। The midnight sun. Okay, this might make you understand. Midnight sun. Let me see if I can find this on YouTube.
आई थिंक ये ज्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन होगी, आप जरा ये वॉच करें. Okay, so if I have another one, let me try. Okay. Maybe ये शायद मैंने भी पहली बार ही देखनी है, तो लेट्स सी के ये ठीक है वीडियो इसमें आपको. अब ये अगर आप देखें, ये ज्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन है. तो ये देखें, अर्थ इस तकरीबन इस एंगल के ऊपर टिल्टेड है 23 डिग्रीज 23.4 डिग्रीज रफली, और ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये चेंज ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, ये एक अलग डिबेट है. अगर आप इसके अंदर देखें कि ये जो सन है, इट्स व्हेन इट्स शाइनिंग ऑन इट, तो जून जुलाई के महीनों के अंदर, बिकॉज द नॉर्थ पोल, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि हेमिस्फीयर को हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, जो इक्वेटर है इसके ऊपर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, वो भी वजह है कि हम इसको क्यों यूं डिवाइड करते हैं और क्या उसकी रीजन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये वैसे मेरी रिकॉर्डिंग्स के अंदर क्लियरली दिया भी हुआ है. तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये ड्यूरिंग दी समर्स, जून जुलाई के मंथ्स के अंदर, और समर जब नॉर्थ पोल में होता है तो इस पोल में विंटर होता है, बिकॉज ये साइड जो है ये सन को फेस कर रही है और ज्यादातर इसका एरिया सन की तरफ है. यू सी, क्योंकि ये जब लाइट आ रही है तो ये जब इस एंगल पर टिल्टेड है, ये जो एंगल है टिल्ट का, इस यू सी दिस, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये ज्यादा सन की तरफ को है, इसलिए यहाँ सन की लाइट ज्यादा आती है और हीट ज्यादा आती है, जबकि ये साइड जो है ये साउथ, ये जो है ये सन से अवे टिल्टेड है, तो यहाँ पर सन की लाइट इतनी ज्यादा नहीं आती और यहाँ विंटर होता है इस दौरान जून जुलाई के अंदर. आप देखें ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, ब्राजील के अंदर विंटर होगा, इन एरियाज में विंटर होगा, अफ्रीका की कई कंट्रीज के अंदर विंटर होगा, जस्ट बिकॉज दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. अब अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें, जून जुलाई में यहाँ पर समर है, बिकॉज यहाँ पर लाइट सन की ज्यादा आ रही, क्योंकि ये अर्थ टिल्टेड है, ये स्ट्रेट नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स टिल्टेड, ये थोड़ा सा टिल्ट के ऊपर है. तो जब ये अर्थ स्पिन कर रही है, अगर आप इस लाइट के साथ ही देखें, तो वो जो पूरा एरिया ऊपर का टॉप का ये एरिया, ये जो सर्कल है, इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये एरिया कॉन्स्टेंटली डेलाइट में और ये एरिया कॉन्स्टेंटली नाइट में रहता है. यहाँ नाइट ही रहेगी तकरीबन फॉर 64 डेज रफली, ये लाइट में आता ही नहीं और ये वाला लाइट में ही रहता है कॉन्स्टेंटली, यहाँ पर लाइट ही रहती है. तो यहाँ डे रहता है फॉर 24 आवर्स, क्योंकि सन डिप कर ही नहीं सकता बिलो द हॉरिजन, सन डिप करने लगता है वापस लाइट इधर से आ जाती है जब ये घूम रहे हैं, तो उसको आप ये इस वीडियो के अंदर भी इलस्ट्रेट होता हुआ देख सकते हैं. तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि होता ये है कि क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है ये समर्स के अंदर सन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो क्योंकि ये 23.4 डिग्रीज के एंगल पे अर्थ टिल्टेड है, तो अर्थ को एक पूरा ईयर लगता है सन के अराउंड मूव करने में, ठीक है ना, सन के अराउंड एक सर्कल कंप्लीट करने में पूरा साल लग जाता है. इसीलिए हमारे सीजन्स जो है वो एक साल के होते हैं, साल के बाद दोबारा वही सीजन दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग और ये सारे सीक्वेंस है, ये पूरी एक साल की है, ठीक है. तो ये एक साल में अर्थ पूरा एक सर्कल सन के अराउंड कंप्लीट कर लेता है. अगर ये एक साल नहीं है, ये बेसिकली एक साल और 0.24 डेज है, ठीक है. 0.24 डे का मतलब के एक दिन का चौथाई हिस्सा तकरीबन. तो इसीलिए हर चार साल बाद एक लीप ईयर के ईयर ऐड के अंदर फरवरी में एक दिन ऐड किया जाता है, बिकॉज ये जो 0.24 है इसको चार साल बाद अगर इसको कई सालों तक चलाया जाए तो सीजन शिफ्ट हो जाएंगे अपनी टाइम से. विंटर किसी और टाइम पे आ रहा होगा, समर किसी और टाइम पे आ रहा होगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए वो हर चार साल बाद एक दिन ऐड कर दिया जाता है फरवरी के अंदर, ठीक है. एंड देन दिस होल थिंग गोज अराउंड, तो ये एक साल हो जाता है. और फिर एक दिन कैसे डिसाइड किया जाता है कि जब अर्थ एक स्पिन अपने ऊपर अपने एक्सेस के ऊपर कंप्लीट कर रही थी, वो एक दिन होता है, ठीक है. और इस तरह की कई स्पिन्स करते 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 अर्थ पूरा एक साल कंप्लीट करती है. ये जो मैंने वीडियो आपको ये बताई थी अभी, व्हिच वन वाज इट, दिस वन, हाउ अर्थ मूव्स, ये वाली अगर आप देख लें तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा क्योंकि नॉर्थ पोल टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन ड्यूरिंग मे जून, तो यहां पर क्योंकि ये एक सर्कल बनता है आर्कटिक सर्कल एरिया, जहां पर सन एक्चुअली होराइजन से बिलो डिप कर ही नहीं सकता, जब बिलो डिप करने जाता है वापस राइज कर जाता है, फिर डिप करने जाता है फिर राइज कर जाता है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट सनलाइट के अंदर रहता है.
लेकिन ऑन जुलाई 24 पहली बार ऐसा होता है कि ये जो है थोड़ी देर के लिए सन बिलो दी होराइजन, क्योंकि अब वो लाइन के थोड़ा सा वो जो एरिया होता है जो ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो वो थोड़ा सा लाइन से बिलो डिप करता है और सन से बिलो डिप करता है और फिर वापस राइज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से दिन कम होता जाएगा और नाइट बढ़ती जाएगी, जबकि विंटर के अंदर 24 आवर नाइट टाइम रहेगा। दो महीने ऐसे रहेंगे जब 24 आवर नाइट टाइम होगा और फिर सन जब राइज करेगा तो फिर डे लाइट स्टार्ट हुआ करेगी स्लो स्लो। इसी तरह से साउथर्न पोल साउथ पोल के ऊपर भी होता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? जी सर, यस सर, 80% क्लियर हो गया। बाकी मैं कुछ वीडियोस जो आपने बताई है मैं देखूंगा, तो मजे अगर बीबीसी ऑर्बिट वाली वीडियो देख लें फर्स्ट वाली, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, वी हैव गॉट 2 मिनट्स लेफ्ट, कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क। सर गूगल क्लास वीडियोस डाउनलोड हो जाती हैं? I don't know, ये मैंने YouTube actually कुछ YouTube पे मैंने अपनी lectures जो हैं वो record करके upload करके अपने channel से share किए हुए हैं। बाकी जो हैं मैंने YouTube के ऊपर जिनके link मिल गए वो YouTube से share कर दिए, जिनके YouTube पे नहीं मिले और जगहों से मैंने link share कर दिए। I think YouTube videos download हो जाती हैं आपको, वो YouTube downloaders बहुत सारे मिल जाएंगे, आप Google पे सर्च करके देख लें। बाकी अगर इनमें से कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, I'll see कि how can I share those with you, इसका कोई Google Drive वगैरह का link share कर सकते हैं। जो मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो तो गूगल ड्राइव पे मैं शेयर कर सकता हूँ आई थिंक। उसके अलावा जो ये वीडियोस यूट्यूब की हैं, ये यूट्यूब डाउनलोडर आपको कोई मिल जाए तो उससे मिल जाएंगी आई थिंक, मेरे पास अवेलेबल होंगी, लेकिन आई डोंट नो हाउ कैन आई शेयर इट। मैं कुछ शेयरिंग का प्लेटफॉर्म देख लेता हूँ जहाँ से शेयर कर सकूँ। ठीक है सर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें शेयर तो? ग्रुप में व्हाट्सएप में इतनी बड़ी फाइल शेयर हो जाती है? अगर हो जाती है तो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ओके सर, ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो अगर अपलोड हो जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, लेकिन व्हाट्सएप का एक डिसएडवांटेज है कि वहां पर आफ्टर अ फ्यू डेज वो वीडियोस वगैरह और ये जो भी कंटेंट होता है ये गायब हो जाता है वहां से, सो यू गाइस हैव टू डाउनलोड इट एएसएपी। लेट मी सी कि मैं कहां पर इनको होस्ट कर सकता हूं, तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको होस्ट कर देता हूं ताकि आप सब वहां से एक बार डाउनलोड कर लें इजीली। एनीथिंग एल्स एनीवन? So nothing so far. जब तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता, let me clarify again. क्योंकि आप सबने वीडियो नहीं देखी, we could not make much of it today. So I want you to watch the videos, BBC Orbit Earth's Extraordinary Journey Around the Sun. और इसके अलावा कुछ जो lectures हैं, वो मैं आपके record करके आपसे